भाई और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि, और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था, आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाई। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी।